देखो आज का चैप्टर है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म देखे हो, प्रिज्म है क्या चीज? तीन सतहों का बना हुआ, जो तीन एंगल पर मुड़ा हुआ एक सतह होता है जिसे प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अपने सात रंगों में विभक्त हो जाती है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, है ना? तो आज उसी का डेवलप रूप है कि एक प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन क्या मतलब होता है? क्या अपवर्तन, है ना? प्रिज्म से अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है, प्रिज्म से अपवर्तन। अब मान लीजिए कि ये कोई किरण इंसिडेंट एंगल, सॉरी इंसिडेंट रे, कोई किरण यहां से जा रही है, ये मीडियम, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? ए। ए को क्या माना जाता है? ए क्या है? एंगल ऑफ, क्या कहा जाता है? प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का कोण। ऐसे तो आप बोलोगे प्रिज्म में ए भी कोण है, ये प्रिज्म थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ बन गया जी। एंगल तो ये भी है और एंगल ए भी है, इसको हम एंगल नहीं मानते हैं, इसको हम क्या क्या कहते हैं? बेस। इसको क्या कहा जाता है? बेस, आधार, किसका? जहां प्रिज्म टिका होता है, और ऊपर के एंगल को ही हम प्रिज्म का एंगल मानते हैं। ये मीडियम हो गया आपका रेरर मीडियम, और ये मीडियम कैसा हो गया? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम के लिए हम मान लिया अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है? म्यू, है ना? म्यू यहां पे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स किसका? प्रिज्म का। अब ये देखिए रेरर मीडियम से इसको अगर समझिएगा तो तुरंत दिमाग में घुस जाएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा स्लिप करके चले जाएगा। ये रेरर मीडियम से ये डेंसर मीडियम में प्रवेश किया तो उसमें कुछ होता है, रेरर से जब डेंसर में जाता है तो रे क्या होता है? टुवर्ड्स, बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या होता है? मुड़ जाता है। तो इसमें नॉर्मल का पता है, पहले नॉर्मल लेंगे हम, नॉर्मल क्या होता है? अभिलंब, नॉर्मल अभिलंब होता है। तो हम यहां से एक अभिलंब लिए, इस पर ये लंब हो गया, अभिलंब हुआ या नहीं? तब क्या होगा? ये अभिलंब, ये जब ये है तो इसका पाथ कौन सा था? जाना इसको कैसे था? इसको जाना था ऐसे सीधा, लेकिन यह मुड़ गया कैसे? बेंट हो गया। या रे कैसे हो गया? इधर अपने रास्ते से विचलित हुआ या नहीं हुआ? अब आ जाइए, जब डेंसर से मीडियम चेंज, अब फिर यहां से टकराने के, चूंकि दो सतह से यह गुजर रहा है, यह मीडियम डेंसर है, डेंसर से कहां जा रहा है? रेरर में। डेंसर से रेरर में जाता है तो क्या होता है? अवे फ्रॉम, नॉर्मल से दूर। तो इसका रास्ता क्या होना चाहिए था? यह सीधा जाता, जाता ना, इस पर हम नॉर्मल एक मार रहे हैं, देखिए ये नॉर्मल हम मार रहे हैं, नॉर्मल मार दिए, नॉर्मल हुआ ना, इस पर ये लंब है, नॉर्मल मारे तो ये नॉर्मल ये है, इसका वास्तविक रास्ता कौन था? ये। इससे क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से लंब से दूर, दूर भागेगा तो इस रास्ता से यह कहां विचलित हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब चलिए इसको आप खत्म कीजिए, इस रास्ते को। अब देखिए अगर ये जब यहां आया तो अगर इधर से जाएगा तो ये इसका पाथ जाने का भी वही पाथ होगा, है ना? तो इसका एक्चुअल रास्ता कहां है? इसका एक्चुअल रास्ता कौन सा है? ये, यही ना है, लेकिन मुड़ मुड़ गया किधर? इधर मुड़ गया। अब देखिए यहां पे ये जो रास्ता था इसका, इसको ऐसे जाना चाहिए था, मुड़ के इधर चला आया, इसका रास्ता ये था, मुड़ के यहां से चला आया। एक्चुअली यह मुड़ा कितना? शुरू का पाथ कितना था? ये
यहां से मुड़ के कहां चला आया ये, ये टोटल रिफ्रैक्शन कितना हुआ है? टोटल रिफ्रैक्शन हम इसको ना मानेंगे, टोटल रिफ्रैक्शन ये, तो इसका कोण कौन सा बना? यही कोण ना बना, ये पहले वाला रास्ता और इस रास्ते पर ये कोण, इस कोण को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। ये क्या है, दिखाई नीचे दे रहा है ना, ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, हिंदी में कहा जाता है इसको विचलन कोण। अपने रास्ते से, जिस रास्ते से जाना चाहिए था, ये विचलित हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम हिंदी में? विचलन कोण, विचलन कोण। अब देखिए ये ए है, इसको मान लेते हैं हम बी, इस कोण को मान लेते हैं हम यहां पे सी, इसको कर देते हैं डी, और इसको कर देते हैं ई। टोटल क्या होगा? बी सी डी ई, यही ना हुआ। अब देखिए ये नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल हो गया। इस नॉर्मल के साथ जो एंगल ये बनाता है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल, आई वन मान लो आई। और देखिए ये नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बना रहा है, ये भी तो अंदर से जा रहा है, अगर इधर से हम भेज दें तो ये भी क्या होगा? इंसिडेंट एंगल ही होगा। अगर इधर से जाता है तो ये इंसिडेंट एंगल, इधर से आता है तो ये इंसिडेंट एंगल होगा या नहीं होगा? तो अगर दोनों इंसिडेंट है तो इसको हम मान लेते हैं आई वन, और इसको मान लेते हैं हम आई टू। मान सकते हैं, फिगर समझ जाओगे तुरंत बन जाएगा। ये दोनों जहां मिल रहा है, इसको हम इसको उनको क्या कह देते हैं? ओ, दोनों नॉर्मल जहां मिल रहा है, ठीक। अब देख ये रे किसके साथ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, उसको क्या कहते हैं? आर वन। और ये क्या हो जाएगा? आर टू होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? ये डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण, ये आई टू और ये आई वन। अब देख इस फिगर को ड्रॉ करो, इसी से सारा पांच को फॉर्मूला निकलेगा, इतना ही से। इस फिगर को पहले ड्रॉ कीजिए। चलिए अब एक चीज बताइए, ज्योमेट्री आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? ये जो है देखिए, ये एंगल ए है, तो मान लो ये ए ना हुआ, ए सी ओ और ये डी है, ये बना है। देखिए तो क्वाड्रिलेटरल ए सी है ना जी, सी ओ डी बना है। ये चारों कोणों का योगफल सम ऑफ फोर एंगल कितना होगा? 265 डिग्री। कितना होगा जी? 265। अरे बकवा, 360 डिग्री, 360 होगा। तो ध्यान से जरा देख दो, ये जो था ये इस पर लंब है, हैं? ये लंबे ना है, अभिलंब मारे हैं तो नॉर्मल, तो नॉर्मल ये कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। नॉर्मल का कोण कितना? 90 डिग्री। और ये कोण कितना? ये भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल जब आया ये, तो ये कोण कितना? ये भी 90 डिग्री। तो 90 है 90 कितना? 180 बच कितना गया? 180 बचा। तो अब कौन कौन बचा? एक कोण ये और एक कोण ये दोनों कोण मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री होगा या नहीं है? चलिए इन लेटरल कौन है? ए सी ओ डी है ना, इसमें क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल ओ बराबर 180 डिग्री होगा या नहीं? हो सकता है। अब देख ये त्रिभुज देख रहे हो, सी ओ डी इन ट्रायंगल, सी ओ डी डी एंगल सी पल सी ओ डी
त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना है 180। अरे 10-20 को जोड़ दो तो 200 नहीं हो जाएगा सीधा सीधी, क्या रे बेटे 20 को जोड़ देंगे तो सीधा सीधे दो नंबरी हो जाएगा, 180 के कौन काम है, क्या साधना हो सकता है, नहीं होगा, वो फिक्स है 180 डिग्री। यानी कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल O बराबर कितना 180 डिग्री होगा। अब ये दोनों में देख तो जरा, ये भी 180 और ये भी 180, मेला में गया है ना, कप ले ला 5 रुपया, कनवाली ले ला 5 रुपया, सबके दाम बराबर। जब सबके दाम बराबर तब वैल्यू भी बराबर, हम कप ले चाहे कनवाली ले चाहे नकवाली ले, जोथी लेना हो लेंगे 5 रुपया है। तो ये देखो दोनों का वैल्यू कितना बराबर, तो एंगल ए प्लस ओ बराबर एंगल ओ प्लस आर वन प्लस आर टू लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों का मान 100। एनी प्रॉब्लम, जब दोनों जैसे ही बराबर हुआ तो कष्ट में आ गया कौन आ गया, तो एंगल ए बराबर क्या आर वन प्लस आर टू, एगो रिलेशन तो ये आ गया, एगो फॉर्मूला आपका निकल गया। ए के साथ, एक का मतलब वो क्या हुआ एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ रिफ्रैक्टिव एंगल का क्या संबंध है, रिलेशन है, तो ये एंगल ए किसके बराबर होगा, दोनों रिफ्रैक्टिव एंगल के योग के बराबर, सम ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिव एंगल है ना इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। एनी प्रॉब्लम, दैट इज फर्स्ट रिलेशन, राइट इट। चलिए इसको हम मिटाते हैं, एगो संबंध तो मिल गया, अगर रिफ्रैक्टिव एंगल दिया हो और कहे कि फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, प्रिज्म का एंगल निकालने के लिए तो हम निकाल लेंगे, या प्रिज्म का एंगल एंगल दिया हो, एगो रिफ्रैक्टिव एंगल दिया हो तो दूसरा का निकाल लेंगे, या दूसरा का दिया होगा तो उससे हम पहला निकाल लेंगे। अब दूसरा संबंध देखिए, इसमें ये आई है कि नहीं, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, आमने सामने का कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो तो ये आई वन है और ये पूरा क्या होगा आई वन, ये रेखा और ये काट रही है ना, काट रहा है कि नहीं, तो ये पूरा क्या होगा आर वन, तो जब पूरा आई वन है और ये आर वन है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, एंगल ए सी डी कितना होगा जी, हमको यहां पर दे दो एम, दे सकते हैं, तो ये कितना होगा हमको ये बताओ, ये एंगल, ये नहीं, ये तो पूरा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल आई तो ये एंगल कितना बोलो, अरे पूरा में से आर वन को घटा देंगे तो ये नहीं बच जाएगा, पूरा एंगल कितना है, ए सी डी नहीं है, एम सी डी, एंगल एम सी डी क्या होगा आई वन माइनस आर वन होगा कि नहीं, पूरे आई वन में से आर वन को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, तो ये कितना निकला आई वन माइनस आर वन, उसी तरह ये कितना निकलेगा आई वन और माइनस आर टू निकलेगा। तो देखो ये कैसा बना एंगल, ये क्या है, ये आई वन माइनस आर वन, ये आई टू माइनस आर टू, और ये बाहर निकला हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है, वो एंगल क्या है डेल्टा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन है कि नहीं, इसमें है एंगल ऑफ डेविएशन। आप पढ़े हुए हैं कि त्रिभुज का एक भुजा बढ़ाई जाए
तो ये इसको एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। बहिष्कोण बाहरी कोण वह किसके बराबर होता है? अपने सामने के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो डेल्टा एंगल इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण कितना होगा मेरे प्यारे गधे बच्चे? कितना होगा विचलन कोण? इसको क्या कहेंगे हम? डेल्टा कितना होगा? ये डेल्टा ही दोनों के योग के होगा। कितना? I1 - R1 प्लस I2 - R2 होएगा कि नहीं होएगा? जब होएगा तो ये अलग अलग बेचारा कहला रहेगा, आई वाले को आई के साथ रख दो आर वाले को। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? I1 + I2 और -R1 - R2। अगर इसको हम ब्रैकेट कर दें तो माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा। बट इसमें भी लेकिन छिपा हुआ I1 + I2 और माइनस क्या R1 + R2। स्टार्टिंग में देखो तो बराबर क्या दिए हैं? ए दिए हैं। तो इस दोनों के जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एगो तो यह फॉर्मूला आ गया। अगर चाहो तो इसको तनी और डिजाइन बना के ए को इधर ले आओ तो प्लस क्या होगा? A = I1 + यानी एंगल ऑफ डेविएशन, द सम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू सम ऑफ इंसिडेंट एंगल। ठीक है, सम ऑफ इंसिडेंट एंगल। ये दूसरा रिलेशन निकल गया, यह दूसरा रिलेशन निकल गया। हम आते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, हम लोग पढ़े हुए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है? म्यू बराबर आपने पढ़ा था कि साइन आई अपॉन साइन आर, पढ़े हैं। तो स्मॉल एंगल छोटे कोण के लिए साइन हो या टेन हो वो क्या होता है? गायब हो जाता है। तो हमने पढ़ा था कि μ1 = I/R, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? तो I1 होगा कि I1 R1। तो I1 = क्या होगा? μ1 R1 हो सकता है या नहीं हो सकता है? अब देखिए, पंखा बंद करो, इसको मिटाए ना। चलो देखो, ए पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन, किसमें? टू। इक्वेशन टू क्या था बताओ हमको? डेल्टा यानी एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? क्या है? I1 + I2 है ना, और माइनस ए क्या है? I1 + I2 - A। तो इसको हम लिख सकते हैं I1 = हम क्या लिखे हैं? μ1 R1 लिखे हैं। और इस सेम इसी तरह I2 = क्या होगा? μ2 और माइनस हो सकता है या नहीं हो सकता है? अब देख, μ1 ये देखो और ये देखो, इसमें μ1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें μ1 कहां से आ गया जी? μ = μ
आई वन बटा आर वन, आर बराबर म्यू, खाली म्यू होगा जी, म्यू वन नहीं होगा, म्यू म्यू अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, आर वन प्लस माइनस ए होगा कि नहीं होगा, अरे जाने दोनों होगा ये। अब बताओ डेल्टा बराबर म्यू, आर वन प्लस आर टू कितना आया था, आर वन प्लस आर टू कितना आया था है ए, तो म्यू ए माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अगर ए इसमें हम कॉमन ले लें, ए कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्या बचेगा म्यू और माइनस यहां क्या बचेगा वन और क्या बचेगा ए, एक इक्वेशन ये आ गया। कहने का मतलब है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जितना अधिक होगा उतना ही एंगल ऑफ डिविएशन अधिक होगा। दूसरे चीज में आया था आपका पहले वाले में कि ए जितना अधिक होगा यानी एंगल जितना अधिक होगा उतना ही डेविएशन अधिक होगा, तो तीन सूत्र निकला इससे, समझा पुत्र, तीन गो सूत्र निकला, ये तीनों सूत्र न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा, या नहीं तो कह दे कि फाइंड आउट या डेरिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन या रिफ्रैक्शन राइट नाउ क्या उसको कहा जाए, एक्सप्रेशन या फॉर्मूला या डेरिवेशन ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन होने पर, अपवर्तन होने पर क्या होगा, उस अपवर्तन होने का डेरिवेशन निकालें या एक्सप्रेशन निकालें या व्यंजक प्राप्त करें, जो भी कहे दिमाग में से कट करना, एग्जामिनेशन के कॉपी में पेस्ट कर देना, लेकिन कब इसमें रहेगा तब ना, तो कोशिश करो कि रख लें।